आज जो देश की वर्तमान हालत है, आप प्रोफेसर हैं, हिंदी के प्रोफेसर हैं, आप पढ़ाते हैं बच्चों को, और आप ये देख रहे हैं पूरे देश के अंदर एक आक्रोश है, एक उबाल पैदा हो रहा है। दरअसल ये निश्चित रूप से इस देश के लिए बहुत ही गंभीर समय है, बहुत ही विषद समय है, क्योंकि ये जो देश है, जो पूरे विश्व में हम जानते हैं कि भारत की महान देश है, लेकिन इस देश में जिस तरह की सामाजिक व्यवस्था है और जिस सामाजिक व्यवस्था पर धर्म की मुहर लगी हुई है, उसको लेकर इस देश के जन जन में आक्रोश है, क्योंकि इसी व्यवस्था के कारण उन्हें सदियों से गुलाम बनाया गया है, और इसी गुलामी को तोड़ने के लिए जो संविधान के द्वारा जो व्यवस्था की गई थी, जो कानून बनाए गए थे, उसे अब लगभग समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, और इसीलिए इस देश का जन जन, इस देश का बहुजन अब जाग रहा है, क्योंकि उसे जो गुलामी सदियों की थी, उसे पुनः लागू करने की कोशिश की जा रही है, और यही कारण है कि वह सड़कों पर उतर रहा है। सर, एक बड़ी विडम्बना वाली बात है, आप कितना भी एजुकेटेड है, PhD है, और यहाँ तक कि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या महामहिम हैं, पहले उनको दलित बोला जाता है, फिर राष्ट्रपति बोला जाता है, पहले दलित बोला जाता है, फिर सांसद बोला जाता है, पहले दलित बोला जाता है, फिर प्रोफेसर बोला जाता है। हाँ बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि जो सदियों की व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था है और जिस पर धर्म की मुहर लगी है, उसकी मानसिकता का ये प्रतीक है। जो मानसिकता बनी हुई है सदियों से, वो मानसिकता इस तरह से मैं कहूँ कि वह कैंसर की भांति लोगों के दिमाग में, शरीर में, रक्त में व्याप्त है, और इसी कैंसर को निकालने के लिए बाबा साहब ने एक अनुपम संविधान दिया था, एक व्यवस्था दी थी कि जिससे इस देश का जन जन इस मनुष्य मानवता को समझ सके। लेकिन जो अमानुषिक व्यवस्था इस देश में धर्म के कारण कायम है, हिंदू धर्म के कारण कायम है, वो मानसिकता के कारण यह है कि आज इस देश के सर्वोच्च पद पर जाने के बाद भी उसे दलित कहा जाता है, क्योंकि यह मानवता, ये जो मानसिकता है, इसी के कारण उसे राष्ट्रपति नहीं, एक दलित समझा जाता है। सर, इस पुरानी रूढ़िवाद से कैसे निकला जाए, कैसे उभरा जाए? इसका एक ही उपाय है कि इस देश का बहुजन इस बात को समझे कि जो ये व्यवस्था, जो जाति व्यवस्था, जो इस पर धर्म की मुहर लगी हुई है, उसे वह उखाड़ कर फेंक दे, उसे वह दरकिनार कर दे। जब तक वह, जिस दिन तक अगर इसे धोता रहेगा, उस दिन उसकी गुलामी नहीं जाएगी, उस दिन इस देश के बहुजन गुलाम ही रहेंगे। जिस क्षण इस हिंदू धर्म को त्याग कर फेंक देता है, उसी दिन उसकी गुलामी मिटेगी, और जिसका आरंभ बाबा साहेब 1956 नागपुर में कर चुके थे, और उसे अभी तक हमारे बहुजन नहीं समझ पाए हैं, और आज भी जिस क्षण वो इस धर्म को, इस हिंदू धर्म को उठाकर फेंक देते हैं, उसी दिन हमारी गुलामी दूर जाएगी, और उसी दिन हम मुक्त होंगे, उसी दिन हम आज़ाद होंगे, तभी एक नए भारत का निर्माण होगा। सर, एक तरफ कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास वाली बात करते हैं, और दूसरे तरीके से संविधान खतरे में है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो पूरी धाराओं पर अटैक किया जा रहा है। यही मानसिकता का प्रतीक है, जो षड्यंत्र सदियों से लागू है, उसी को लागू करने के लिए, और उसी को बार बार इस देश के बहुजन को भरमाने के लिए कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास। कहाँ है सबका साथ, कहाँ है सबका विश्वास? आज देश की राजधानी हो या देश के कोने कोने में, क्यों हत्याएं होती हैं? क्यों एक ऐसा लड़का, इस देश का बहुजन का लड़का, या किस कोई भी, मैं तो कहूँगा किसी भी समाज का कोई लड़का जिसमें गुण है, जिसमें मेरिट है, उसको केवल यह कहकर कि इस विशेष समाज का है, उसकी हत्या कर दी जाती है? क्या अभी जो एक घटना घटी, जो एक घोड़े सवारी की एक इच्छा रखने वाला बच्चा, जिसके अंदर जब आप उसके चित्रों को देखें, तो वह निश्चित रूप से उसमें ऐसा गुण था, तो वह ओलंपिक में भी पदक ला सकता था, और उसे केवल जाति के कारण उसकी हत्या कर दी जाती है। तो मैं कहता हूँ कि यह उसी दिन दूर होगा जिस दिन हम इस देश की धार्मिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकेंगे, हिंदू धर्म को उखाड़ फेंकेंगे।